Hey, hi, hello guys, welcome back to my channel. कैसे आप सब? I hope आप सब लोग ठीक हो. So, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दो टोनर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं. देखते हैं कौन सा अच्छा है, कौन सा किस स्किन टाइप के लिए अच्छा है और मेरा कौन सा फेवरेट है वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सो ये जो दो टोनर है वो बहुत ही फेमस है, हम डेली इस टोनर को यूज करते हैं. सो हम देखेंगे कौन सा बेस्ट है. ये बहुत ही यूजफुल वाली वीडियो है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा. और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जो स्किन फैशन, स्किन केयर, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. और ये सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है और साइड नोटिफिकेशन का बेल उसको भी प्रेस करना है. सो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So, ये है दो मोस्ट फेमस टोनर. ये है गुड वाइब्स का ग्रीन टी वाला टोनर और ये है बायोटिक का बायो कुकुम्बर टोनर. So, इस दोनों का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं, देखते हैं कौन सा अच्छा है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम ये गुड वाइब्स का ग्रीन टी वाला टोनर की. सो पैकेजिंग की बात करते हैं, पैकेजिंग आपको प्लास्टिक के बॉटल में रिसीव होता है. यहाँ पे उन्होंने कैप भी दी हुई है और ये जो टोनर है वो ट्रैवल फ्रेंडली है, मतलब कहीं से भी आपका जो टोनर है वो लीक नहीं होगा, ये अच्छी बात है. और उन्होंने पैकेजिंग बहुत ही अच्छी यहाँ पर कैप दी हुई है और कैप भी बहुत ही मतलब तगड़ी है, फटाक से निकलेगी नहीं, जब आप निकालोगे तभी निकलेगी. सो प्रोडक्ट निकलने का कोई चांस ही नहीं है. सबसे पहले उसको लगाना कैसे है, मॉर्निंग में आपने फ्रेश वॉश होने के बाद तुरंत आपको टोनर को लगाना है. टोनर को जैसे आपको एक दो पंप लगाने हैं, जैसे इस तरह से आपको लगाना है. बहुत ही अच्छा है, मतलब इजी वे से हमारी स्किन में ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही हाइड्रेटिंग स्किन लगती है. और ये 120 ml की बॉटल है, प्राइस में भी इसकी 150-160 के अराउंड रहेगी. मैं आपको डिस्प्ले में मेंशन कर दूं कितनी प्राइस है इसकी. और इसमें ग्रीन टी है तो ये सबसे बेस्ट है. क्यों बेस्ट है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ. सो अभी हम बायोटिक वाला देखते हैं. सो अभी हम बायोटिक की टोनर की बात करते हैं. ये है बायोटिक का बायो ककुम्बर टोनर है. ये आपके पोर्स को टाइट अप करता है. ये है 120 ml की बॉटल है, आपको 150-160 के अराउंड मिल जाएगा, मे बी उससे भी कम रहेगा. सो इन दोनों टोनर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. इनकेस आपको परचेस करना हो तो नीचे दिए हुए लिंक से आप परचेस कर सकते हो. और इसकी आप पैकेजिंग बोलोगे ना तो इसको आपको ऐसा ढक्कन खोलना पड़ेगा आपको और इस तरह से आपको प्रोडक्ट अपने हैंड्स पे लगाने का पड़ेगा, तो हाइजीन तो मेंटेन नहीं रहेगा. तो इसकी जो पैकेजिंग वो मेरे को अच्छी नहीं लगी. उनको शायद पंप या फिर स्प्रे देना चाहिए था, मतलब प्रोडक्ट जितना चाहिए उतना ही आ जाएगा, प्लस हाइजीन भी मेंटेन है. ये उनकी पैकेजिंग अच्छी नहीं लगी, बाकी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है गाइस. सो अभी इन दोनों की इंग्रेडिएंट की बात करते हैं. सो यहाँ पर उन्होंने इंग्रेडिएंट मेंशन किए हुए हैं, बहुत सारे उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें केमिकल भी है. बट इस वाले बायोटिक के यहाँ पर उन्होंने इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए वो सारे 100% आयुर्वेदिक है, ये एक अच्छी बात है. मतलब सारे यहाँ पर हल्दी रूट लिखा है, फ्रूट लिखा है, जीरा जल लिखा हुआ है, ऐसे सारे इसके इंग्रेडिएंट है. इसके लिए ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये एक अच्छी बात है. इसमें सारे आयुर्वेदिक मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसमें थोड़े बहुत आपको केमिकल के प्रोडक्ट मिलेंगे. सो ये जो गुड वाइब्स का इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने नो पैराबेंस, नो अल्कोहल और इन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, बस 100% आयुर्वेदिक है ऐसा लिखा हुआ है. गुड वाइब्स के ग्रीन टी वाले टोनर की जो स्मेल है ना गाइस, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है और इंस्टेंटली आपके स्किन में ना वो एब्सॉर्ब हो जाता है. बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, 2-3 सेकंड में अपने आप अपने स्किन में बैठ जाता है. और बायोटिक टोनर की आप स्मेल बोलोगे ना बहुत मतलब थोड़ी अलग है, मतलब मेरे हिसाब से ना आप ऐसा लगेगा मेरे को मैं दवाई लगा रही हूँ मेरे फेस पे, ऐसे मेरे को लगता है. ऐसी इसकी स्मेल है एक्चुअली, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कोई मेडिसिन लगा रही हूँ मेरे फेस पे, ऐसा मेरे को लगता है इसकी स्मेल, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है इसके लिए. और ये जो गुड वाइब्स का जो टोनर है वो ऑल स्किन टाइप के लिए, सारे स्किन टाइप के लिए सूट हो जाएगा. और ये जो बायोटिक का है वो नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप के लिए अच्छा है. पर अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ग्रीन टी वाला क्यों चूज किया है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो इसके लिए मैं ये प्रेफर करती हूँ, हमेशा लगाती हूँ ये वाला नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप के लिए. बट कभी कभी मेरे एक्ने आते हैं मेरे फेस पे, इसको कम करने के लिए ग्रीन टी सबसे बेस्ट रहता है. सो इसके लिए मैं ग्रीन टी वाला यूज कर रही हूँ. मेरे पास रोज वाला भी है बट अभी मैं ग्रीन टी वाला यूज कर रही हूँ. और इससे ना मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे पास बहुत सारे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, एक्ने तो आते हैं. सो ओपन पोर्स के लिए मेरे को ये सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ओपन पोर्स मेरे जो पोर्स है उसको टाइट अप करता है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता है, तो मेकअप अपना लॉन्ग लास्टिंग रहता है और मेरा ऑयल थोड़ा कम आता है. सो इसके लिए ये सबसे बेस्ट है, मतलब आपकी स्किन ऑयली है तो बेस्ट प्रोडक्ट है आपके लिए, क्योंकि आपकी स्किन है तो ऑयल को भी कंट्रोल करेगा प्लस आपके पोर को भी टाइट अप करेगा, तो ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब ये एक अच्छी बात है इसकी. और ये वाला जो ग्रीन टी वाला है इसमें ना इसे लगाने से मेरे जो एक्नी, जो एक्टिव एक्नी है वो कम हो जाती है ग्रीन टी लगाने से. तो इसके लिए मैं ये वाला यूज कर रही हूं. सो आपकी नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो आप ये लगा सकते हो, आपके पोर्स को भी कम मिनिमाइज कर देता है और ये आपकी स्किन को बहुत ही हाइड्रेट रखता है. और ये ऑयल स्किन टाइप के लिए और आपके पास एक्ने आए हुए तो ये बेस्ट रहेगा. मेरे एक्सपीरियंस में आप बताती हूँ कि जिनके भी एक्टिव एक्ने हैं तो ये उसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है गाइस.
अभी मैं बताती हूँ कि मेरा कौन सा फेवरेट है, पर अभी चूज करना बहुत ही हार्ड है क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट मेरे को बहुत ज्यादा सूट करते हैं। मेरी ऑयली स्किन है तो दोनों का भी काम मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से चल जाता है, बट इनमें से एक चूज करना हो तो मैं बायोटिक को चूज करूंगी। बायोटिक का मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है पूरा आयुर्वेदिक है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें, प्लस ये मेरे पोर्स को टाइट अप करके रहता है और बहुत ही मेरे स्किन को हाइड्रेट फील करता है। मतलब मेरी ऑयली स्किन है तो चिपचिपाने बिल्कुल भी मेरे को फील नहीं होता, बहुत ही हाइड्रेटेड प्लम्प और बहुत ही रिफ्रेशिंग मेरी स्किन लगती है। सो ये है दो टोनर्स का कंपेरिजन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हुई, बट गाइस टोनर को बिल्कुल भी हमें स्किप नहीं करना है। टोनर लगाने से हमारा जो स्किन का पीएच है वो मेंटेन रहता है, तो इसके लिए टोनर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और इन दोनों में से आपका कौन सा फेवरेट है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव योरसेल्फ।